Assalamu alaikum students, how are you? Okay, students, today we will do our worksheets, chapter number 10, worksheet 1 and worksheet number 2. In these worksheets, we will do choose the correct answer, match the dynasties with their founders and complete the following statements, fill in the blanks, okay? How you can choose your answer from your given material in the book. अगर आपने अपना lecture पूरे interest के साथ और पूरी concentration के साथ अगर आपने सुना होता है जब when you were reading this तो आप लोगों को easily याद आ जाएगा, समझ आ जाएगा. और in classroom when teacher asks the question तो बच्चे फौरन हैंड रेस करते हैं और आंसर देते हैं. और मुझे उम्मीद है कि अभी भी जब हम ये क्वेश्चंस कर रहे होंगे आप लोग समझ रहे होंगे कि आंसर्स भी. लेकिन आई विल टेल यू हाउ कैन यू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम योर बुक. ओके, नाउ ए इज मेजर एक्सपेंशन ऑफ द मुस्लिम रूल टुक प्लेस ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ डैश. अब इसमें देखें आप, फर्स्ट इज हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो. नाउ ऑन पेज नंबर 47 इन द बिगनिंग ऑफ द योर लेक्चर यू कैन फाइंड योर आंसर. मेजर एक्सपेंशन took place during the caliphate of Hazrat Umar Razila Tala Anho. Okay, now your answer is Hazrat Umar Razila Tala Anho. You can circle the answer and after circling the answer you will write here the actual answer in this blank. Okay, B, the Umayyad dynasty came to power in dash. Okay, there are also four options: 771 century, 661 century, 601 century and 610 century. Okay, the Umayyads. Now again on page number 47, the Umayyads, you will read here, the Umayyad dynasty came to power in 661 century. Okay, this is your correct answer and you will write here your correct answer, 661 century. Okay, now see, Daesh was a Berber general. Berber means cruel. Okay, so Chinggis Khan, Halaku Khan, Salahuddin Ayyubi and Tariq bin Ziyad. अच्छा, अभी हमने जो पढ़ा था, हमने सलाहुद्दीन अयूबी और तारिक बिन ज़ियाद के बारे में तो पढ़ा था कि दे द मुस्लिम्स जनरल्स वर वेरी काइंड एंड सॉफ्ट हार्टेड. ओके, तो अब जाहिर है कि ये दोनों तो नहीं हो सकते. देन चिंगेज खान और अलाकू खान, अगेन दिस आंसर विल यू विल फाइंड हियर इन अबासिस. नाउ द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज सी हेयर, लुक एट द पेज नंबर 48. द अब्बासिद डायनेस्टी केम टू एन एंड विद द फॉल ऑफ बगदाद इन 1258 एट द हैंड्स ऑफ द मंगोल वॉरियर वॉरलॉर्ड हलाकू खान. ओके, सो हलाकू खान इज द करेक्ट आंसर. हलाकू खान एंड यू विल राइट हेयर द करेक्ट आंसर. नाउ डी, द फातिमीड्स फाउंडेड द सिटी ऑफ. नाउ द आंसर ऑफ दिस इज विल फाइंड ऑन द पेज नंबर 50. द फातिमीड्स, विल रीड द टॉपिक ऑफ फातिमीड्स. द फातिमीड्स वर बेस्ड in Egypt where they founded the city of Cairo. So the correct answer is Cairo, right? And you will write here
करेक्ट आंसर कायरो. ओके नाउ ई. इन इस्लामिक हिस्ट्री द डैश पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ वेल्थ एंड कल्चर. ओके हु विल आंसर. यस ऑल ऑफ यू आई नो. यस सो द इन द इस्लामिक हिस्ट्री द देर आर फोर ऑप्शन उमैया सलजूक अयूबीज एंड अब्बासीज. सो द गोल्डन पीरियड इज अगेन इन द पेज नंबर 48 द अब्बासीज. ओके इन इस्लामिक हिस्ट्री द अब्बासीज पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ वेल्थ एंड कल्चर. राइट सो करेक्ट आंसर इज अब्बासीज. ओके यू विल राइट हियर अब्बासीज. ओके स्टूडेंट्स वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर वन. चूज द करेक्ट आंसर. नाउ विल डू द क्वेश्चन नंबर टू. मैच द डायनेस्टीज विद देयर फाउंडर्स. ओके हेयर आर थ्री डायनेस्टीज उमैयद डायनेस्टी सलजूक डायनेस्टी एंड अयूबिड्स. नाउ यू विल मैच दीज डायनेस्टीज विद देयर फाउंडर्स. नंबर वन इज उमैयद डायनेस्टी. स्टूडेंट्स आई होप इफ यू हैव लर्न द लेसन केयरफुली then you can answer the question. We know that Umayyad dynasty is belong to the Amir Muawiyah ibn Abu Sufyan. You will draw a line with the help of scale, right? Here you will draw the line. Now B is Seljuk. You can easily understand Seljuk Bey belongs to the Seljuk and you will draw a line with the help of scale. Then number 3 is Ayyubids. Nuruddin Zangi is the founder of Ayyubids. Okay, this is question number 2. May the dynasty with their founders. Okay, students, now we will do question number 3. Complete the following statements. These are fill in the blanks and you will fill your blanks with the help of your given material in the book. A is the Abbasid rule ended with the dash in 1258. Now Abbasids. Okay. Look at the Abbasids. Answer is here. The on page number 48. The Abbasid dynasty came to the yes. The Abbasid dynasty came to an end with the fall of Baghdad in 1258. Okay, you can write here with the fall of Baghdad on page number 48 is answer. Now B dash is given the credit for building up the Muslim naval power. Yes, answer of this is on page number 47. Okay, here in Umayyads you have read that these and later victories at sea brought Muawiyah the credit for building up Muslim naval. Page number 47. So the right answer is Amir Muawiyah, right? Muawiyah the credit. You can write here Muawiyah is given the credit for building up the Muslim naval power. Okay. Now C. The Umayyads in Spain made dash their capital and developed it into one of the finest cities in the world. Okay. Now we have learned about the Umayyads in page number 47. But the answer is on page number 48. Umayyads. They made Cordoba their capital and made it one of the finest
cities in the world. Umayyads made Cordoba. So you will write here, the Umayyads in Spain made Cordoba their capital. And so on page number 48. Now D. It is believed that Daesh has existed at its present site for the last 9,000 years. Okay, some answers you will find in the information which are given in the sides of the pages. So, answer is Damascus is believed. On page number 48, you can see in information, Damascus is believed to be the oldest living city in the world. It is oldest living city. ठीक है, अभी तक जो कि मौजूद है, exist करता है world में. And it is said that Damascus has existed at that site for the last 9,000 years. So, what is the answer? Damascus. Right, it is believed that you will write here Damascus has existed at its present site for the last 9,000 years. Now, E, Gibraltar is a variation of Daesh, named after Daesh, Gibraltar. Again, this answer is information, page number 48. Gibraltar is a variation on Jable Tariq. ठीक है ना, ये Jable Tariq इसका आंसर आएगा. पहले वाले में आएगा Jable Tariq और दूसरे में आएगा Tariq's Hill. दूसरे में क्या आएगा? Tariq's Hill, यानी कि Tariq bin Ziyad के नाम की वजह से इसको हम Gibraltar कहते हैं, जहाँ पे कि Tariq bin Ziyad ने, it is said that having landed on Spanish soil, Tariq ordered half his ships to be burned. There would be no returning back for his men. अब देखिए, ये जब Tariq bin Ziyad जब ये जंग के लिए गया था, तो इसने कहा कि कहीं इसके साथी जो हैं, क्योंकि ये तादाद में कम थे, ठीक है, अब इसको ये ख़तरा था कि कहीं इसकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो घबरा कर अपने दुश्मन से डर के वापस ना भाग जाएं और अपने शिप्स पर ना चले जाएं. तो उसने क्या किया था कि अपने शिप्स को आग लगा दी थी, ताकि इसके जो जवान हैं वो इस ख्याल को ही भूल जाएं कि उन्होंने वापस जाना है. उनका वो ये बात समझ लें कि उन्होंने लड़ना है या मरना है, ठीक है, या जीतना है या फिर वहीं पर मर जाना है. तो इसलिए उसने अपने आधी जो शिप्स थे उनको आग लगा दी थी. तो ये वो पहाड़ी के पीछे, ये Gibraltar जो एक पहाड़ था, जो कि Jable Tariq भी कहलाते हैं, और वो Tariq bin Ziyad के नाम से है इस वजह से. सो द आंसर इज Gibraltar इज़ अ वेरिएशन ऑफ Jable Tariq. Jable Tariq यहाँ पर आएगा फर्स्ट में, नेम्ड आफ्टर Tariq bin Ziyad. ओके, राइट आंसर विल बी Gibraltar is a variation of Jable Tariq, named after Tariq bin Ziyad. Right? Now, F. Daesh established Baitul Hikmah, the House of Wisdom in Baghdad. Yes, students, you can answer the question easily. We will find answer of this in Abbasid's rule. And the question is the Daesh established Baitul Hikmah. Yes, Mamun established the Baitul Hikmah, House of Wisdom in Baghdad. On page number 48, who was Mamun? Mamun was the son of Harun Rashid, the most famous Khalifa of Abbasids. Right? So Mamun, his son, Mamun established the Baitul Hikmah, House of Wisdom in Baghdad. So answer is Mamun of F. Okay. Now G. The most important contribution by the Arabs was in the field of Arabs ka jo contribution tha, wo kya tha? Jo most important tha Arabs ka contribution. Dekhiye, yahi par iska jawab hai. On page number 48.
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बाई एरब्स वॉज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स लेइंग द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न मैथमेटिक्स. ओके, ये कंप्लीट आंसर इसमें है जो कि आप यहाँ पर जी जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पर आएगा ये पेज नंबर 48 में. उसके बाद है एच डैश रिकैप्चर्ड जेरूसलम फ्रॉम द क्रूसेडर्स इन 1188. ओके स्टूडेंट्स, आपको याद है कि किसने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाया था क्रूसेडर्स से? यस, सलाहुद्दीन अयूबी. ठीक है, सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और जो आपकी ब्लैंक है उसका आंसर क्या है. सलाहुद्दीन अयूबी रिकैप्चर्ड जेरूसलम फ्रॉम द क्रूसेडर्स इन 1188. सो राइट आंसर इज सलाहुद्दीन अयूबी. राइट, सो सलाहुद्दीन अयूबी इज द राइट आंसर ऑफ एच. नाउ द एस्ट्रोलेब इज एन डैश यूज्ड इन द पास्ट फॉर डैश द डिस्टेंसेस ऑफ स्टार्स एंड द पोजिशन ऑफ शिप्स. अच्छा, जब हम पढ़ रहे थे व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द क्रूसेडर्स एंड मुस्लिम रूल, तो उसमें हमने पढ़ा था कि क्या चीज़ यूरोपियन ने क्या क्या कुछ लर्न किया था उनसे, मुस्लिम अरब से. ठीक है, द यूरोपियंस लर्न कार्टोग्राफी द साइंस ऑफ मैप मेकिंग एंड द यूज़ ऑफ कंपस एंड एस्ट्रोलेब क्या है फॉर नेविगेशन एट सी. अब एस्ट्रोलेब क्या था, एक इंस्ट्रूमेंट था फॉर नेविगेशन था. सो स्टूडेंट्स, वी विल राइट द एस्ट्रोलेब इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द पास्ट फॉर नेविगेटिंग द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड द पोजिशन ऑफ शिप्स. नाउ जे द वर्ड ममलूक मीन्स डैश इन अरेबिक. वी हैव लर्न अबाउट ममलूक ऑन पेज नंबर 51. ममलूक, सो हेयर इज इन इंफॉर्मेशन द वर्ड ममलूक मीन्स स्लेव इन अरेबिक. सो द व्हाट इज द आंसर, द वर्ड ममलूक मीन्स स्लेव इन अरेबिक. ओके, पेज नंबर 51. देन के द मंगोल्स कन्वर्टेड टू इस्लाम इन द डैश एंड डैश सेंचुरीज. यू विल आंसर इन द टॉपिक ऑफ मंगोल्स. दे कन्वर्टेड मंगोल्स, राइट, मंगोल्स दे कन्वर्टेड टू इस्लाम इन द 13th एंड 14th सेंचुरीज. ओके, पेज नंबर 51. सो द रियल आंसर इज इन द 13th एंड 14th सेंचुरीज. नाउ एल द ऑटोमंस वर ऑफ डैश ओरिजन. ऑटोमंस यू विल सी द आंसर टॉपिक ऑफ ऑटोमन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज दे वर ऑफ टर्किश ओरिजन. सो द आंसर इज टर्किश ओरिजन. यू विल राइट हियर ऑटोमंस वर ऑफ टर्किश, राइट. Now last one is M. The Fatimids were based in dash. Fatimids. Now see the topic of Fatimids. Right? The Fatimids were based in Egypt. Okay? Where they founded the city of Cairo. So the answer is Fatimids were based in Cairo where they ये पूरा आंसर जो होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे. पेज नंबर है 50. फातिमीज आप कौन से पेज पर आपको ये आंसर मिलेगा, पेज नंबर 50 पर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्कशीट्स 1, 2 एंड 3. ठीक है, 3 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड. दिस इज योर होमवर्क एंड आई होप यू विल सक्सेसफुली कंप्लीट इट. ओके.